फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो। सो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा प्रथम पाठ सुभाषितानी कक्षा 8 के सीबीएसई बोर्ड पेज नंबर 1 से भी आप जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणा गुण गेशु गुणा भवंती निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणा का मतलब होता है अच्छे गुण, अच्छे लक्षण। गुणज्ञेषु इसका मतलब होता है गुणी मनुष्य, गुणी जन। भवन्ति का मतलब होता है या होते हैं, यानी कि गुणी जन में ही, गुणी मनुष्यों में ही गुण बने रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। ते माने होता है वे, निर्गुणम यानी कि दुर्गुण, जो बुरे गुण होते हैं। प्राप्य यानी कि पाकर, भवन्ति माने होते हैं, दोषाः मतलब कुलक्षण या दोष, यानी कि वे निर्गुण यानी कि दोषी व्यक्तियों के पास जाकर ही दोषी बनते हैं। यानी कि जब तक गुणी मनुष्य तभी तक गुणी बनकर रहते हैं जब तक कि वो किसी दुर्गुण के नजदीक ना आए, यानी कि उनकी संगति का छाया भी उन पर ना पड़े। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। सुस्वादुतोयाः का मतलब होता है मीठे जल, यानी कि स्वादिष्ट जल। प्रभवन्ति का मतलब होता है उत्पन्न होता है या निकलता है या निकलती है। नद्यः यानी कि नदियां, बहुवचन में नदियां। इसमें समुद्र मासाद्य, इसमें दो शब्द मौजूद हैं, समुद्रम प्लस आसाद्य। समुद्रम का मतलब होता है समुद्र, सागर, और आसाद्य का मतलब होता है पहुंचकर या मिलकर। भवन्त्य पेयाः, इसमें दो शब्द मौजूद हैं, भवन्त्य यानी कि होते हैं, भवन्त्य प्लस अपेयाः यानी कि अपेया यानी कि न पीने योग्य बनता है, यानी कि स्वादिष्ट जल भी यानी कि नदियां जो होती है वो स्वादिष्ट जल वाली होती है, लेकिन जैसे ही नदियां समुद्र में आकर वो अपेय यानी कि ना पीने योग्य पानी वो नदियां बन जाती हैं। यानी कि जो नदियों का जो पानी होता है वो पीने योग्य नहीं रहता, जैसे ही वो समुद्र में आकर उनका पानी मिल जाता है तो वो खारा बन जाता है, यानी कि पीने योग्य नहीं रहता है। तो हमारा यहाँ पर ये पहला श्लोक यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे देखते हैं दूसरे श्लोक को। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमान तद भागधेयम परमं पशूनाम। साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात पुच्छ यानी कि पूंछ और विषाणहीन, विषाण का मतलब होता है सिंह, पूंछ और सिंह के बिना भी साक्षात पशु के समान होता है। तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशुनाम। यानी कि तृणम, तृणम का मतलब होता है घास, घास ना खाते हुए भी। इसमें खादन नपी में दो शब्द मौजूद हैं, खादन प्लस अपि यानी कि खादन यानी कि ना खाते हुए भी जीवित है, जीव मान मतलब जीवित है, घास ना खाते हुए भी वो जीवित है। तद भागधेयम, इसमें दो शब्द मौजूद हैं, तत् प्लस भागधेयम यानी कि भागधेयम का मतलब होता है सौभाग्य, और तत् का मतलब है वे पशु।
तो वे पशुओं के लिए, पशु नाम का मतलब होता है पशुओं के लिए, पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। तो यहां पर हमारा दूसरा श्लोक यहां पर समाप्त होता है। आगे देखते हैं तीसरे श्लोक की ओर। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यं राजं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी का, लोभी का यश। पिशुनस्य, पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर, चुगलखोर की मित्रता। कुलम अर्थ परस्य, यानी कि कुलम प्लस अर्थ परस्य, अर्थ परस्य का मतलब होता है स्वार्थी, स्वार्थी का कुल, स्वार्थी का धर्म। अर्थ परस्य धर्म, यानी कि अर्थ परस्य का धर्म। नष्ट क्रियस्य कुल, कुलम यानी कि निकम्मे का कुल, निकम्मे का कुल। और अर्थ परस्य का धर्म। विद्या फलम व्यसनीन, व्यसनीन मतलब बुरी आदत वालों का, यानी कि बुरी आदत वालों की विद्या का फल। कृपणस्य सौख्यम, यानी कि कृपणस्य, कृपण का मतलब होता है कंजूस, कंजूस का सौख्यम, सौख्यम का मतलब सुख, कृपण की, कृपण का सुख, कंजूसों का सुख। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, यानी कि प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त, प्रमत्त सचिव का मतलब होता है मंत्री, प्रमत्त मंत्री का, प्रमत्त मंत्री वाले राजा, प्रमत्त मंत्री वाले राजा का राज्य नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है। तो इसका, इस श्लोक का अर्थ मैंने एक एक शब्द मैंने समझा, तो चलिए शुरू से देखते हैं। लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, निकम्मे का कुल और अर्थ परस्य का, अर्थ पर का धर्म। व्यसनिन यानी कि बुरी संगत वाले, बुरी आदत वाले की विद्या का फल। कंजूस का सुख और प्रमत्त मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट, राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। और इसी के साथ में हमारा ये तीसरा श्लोक भी यहाँ समाप्त होता है। आगे देखते हैं चौथे श्लोक को। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुरसुक्त रसम सृजन्ति। यानी कि बह मधुमक्षिका, यानी कि बह मधुमक्खी जो कटुकम मधुरम, यानी कि कटुकम यानी कि कड़वे रस को, कड़वे रस को पीकर भी, पित्वा रसम यानी कि कड़वे रस को पीकर भी मधुर यानी कि मीठे, मीठे के समान यानी कि मधुर के समान मधुरता यानी कि शहद ही जनयेन यानी कि पैदा करती है या उत्पन्न करती है। यानी कि मधुमक्खी, वह मधुमक्खी जो कड़वे रस को पीकर भी मधुर के समान मधुरता यानी कि शहद ही उत्पन्न करती है। संतस तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। यानी कि उसी प्रकार, तथैव मतलब उसी प्रकार संतस यानी कि संतजन दुर्जनों के, दुर्जनों के कटु शब्दों को सुनकर भी समसज्जन दुर्जनानाम यानी कि दुर्जनों के कटु शब्दों को सुनकर भी, श्रुत्वा यानी कि सुनकर भी, वचः यानी कि वचन, वचन को सुनकर भी मधुर सुक्त के रस को, मधुर सुक्त के रस की वाणी वो सृजंती यानी कि बोलते हैं या निर्माण करते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा श्लोक समाप्त होता है। आगे देखते हैं पांचवें श्लोक को। विहाय पौरुषम यो हि
दैवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसाः। यो मतलब जो पौरुषम, जो मनुष्य पौरुषम यानी कि परिश्रम, परिश्रम को छोड़कर, विहाय का मतलब होता है छोड़कर, जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेता है, वह महल में स्थित उसका, तस्य मतलब उसका, महल में स्थित सिंह यानी कि शेर की तरह अपमानित होता है। तस्य मूर्धनि यानी कि जिसके सिर पर, मूर्धनि का मतलब सिर पर, तिष्ठति मतलब बैठता है, वायसाह यानी कि कौवे, जिसके सिर पर कौवा बैठता है। समझ में आ गया? तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। वह मनुष्य जो मेहनत को छोड़कर केवल भाग्य के सहारे जीवित रहता है, वह महल में स्थित उस शेर की तरह होता है, शेर की तरह अपमानित होता है, जिसके सिर पर कौवे बैठता है। समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं छठे श्लोक को। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भीह धन्या मही रुहा ये शाम विमुख यान्ति नार्थी नह। यहां पर मही रुहा का मतलब होता है वृक्ष, यानी कि वह वृक्ष धन्य है जिसके पुष्प यानी कि फूल, पत्र यानी कि पत्तियां, फल और छाया मूल, छाया जड़, मूल का मतलब जड़, बल कल का मतलब होता है पेड़ की छाल, और दारु भी का मतलब होता है लकड़ियों द्वारा, यानी कि वह पेड़ धन्य है जिसके फूल, पत्र, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल और लकड़ियां, जिनके कारण यान्ति यानी कि याचक कभी भी, विमुख का मतलब लौटना, नार्थिनः मतलब नहीं लौटते। और इसके साथ में हमारा ये छठा श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है। आगे देखते हैं सातवें श्लोक को। चिन्तयिना हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननम् युक्तम् प्रदीप्ते वह्निना गृहे। आदावेव यानी कि शुरू में ही, इसमें आदौ प्लस एव यानी कि आदौ यानी कि शुरू में ही, विपदाम यानी कि आपदाओं का प्रतिक्रिया यानी कि निवारण सोच लेना चाहिए। चिंतनिया मतलब सोच लेना चाहिए। वनहीना यानी कि अग्नि द्वारा गृह यानी कि घर को, अग्नि द्वारा घर को प्रदीप्त यानी कि जला दिए जाने पर, कूप खननम यानी कि कुएं खोदने से कोई फायदा नहीं है, यानी कि कुएं खोदना उचित नहीं है। तो यहां पर हमारा पहला अध्याय यहां पर समाप्त होता है। अगले वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन और पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।